हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टू की माधुरी बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है समझदार किसान। दो चैप्टर में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है ना। उसको आप जाके बेसिक एसडी में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी दो बेटियाँ थीं। उनमें से एक का विवाह एक कुहार के साथ हुआ था और दूसरे का एक किसान के साथ हुआ था। एक बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया और उसका हाल चाल पूछा। उसने कहा, पिताजी। किसने कहा? बेटी ने कहा, पिताजी इस साल हमने बहुत मेहनत की है और बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं। बस अगर वर्षा ना हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। बेटी ने पिता से आग्रह किया, पिताजी आप भी प्रार्थना करें कि वर्षा ना हो। फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास गया। उसका पति किसान था। उसने उनका हालचाल पूछा। बेटी बोली, पिताजी इस बार हमने बहुत परिश्रम किया है, देखिए, और कई खेतों में फसल बोई है, परंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो खूब फसल होगी। आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। पिता बड़ी उलझन में फंस गए। एक बेटी का आग्रह था कि पिता वर्षा ना होने का, और दूसरी बेटी का इसके विपरीत कि वर्षा के लिए प्रार्थना करें। अब वह एक के लिए प्रार्थना करे तो दूसरे का नुकसान समाधान क्या हो। पिताजी उसके उलझन पड़ गए। फिर देखिए, पिता ने बहुत सोचा और फिर अपनी बेटियों से मिले मिला बेटियों बेटियों से मिला। उसने बड़ी बेटी को दोनों बेटियों से मिला। उसने अपनी बड़ी बेटी को समझाया कि अगर इस बार वर्षा ना हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। और फिर छोटी बेटी को समझाया कि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। इसमें एक किसान रहता है, उसके दो बेटियां रहती हैं। वो किसान अपने दोनों बेटियों से मिलने गया। उनकी दोनों बेटियां ऐसे आग्रह करने लगी, जिससे वो किसान उलझन में फंस जाता है। फिर इस तरह से उसका समाधान हुआ, ठीक है। अब इसके हैं, ये देखिए, इसके प्रश्न उत्तर हैं। जैसे बड़ी बेटी ने अपने पिता को क्या बताया है, ये वो फर्स्ट प्रश्न है। देखिए इसका ये है, यहाँ शुरू होगा। पिताजी हमने बड़ी बेटी क्या कहती है, पिताजी हमने साल इस साल हमने बहुत मेहनत की है, बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं, ठीक है। बस अगर इस साल वर्षा ना हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। फर्स्ट का ये हो गया। छोटी बेटी ने अपने पिता से क्या कहा, देखिए इसका यहाँ से है। ये देखिए, पिताजी इस बार हमने बहुत परिश्रम की है। छोटी बेटी क्या बोलती है, इस बार हमने बहुत परिश्रम की है और कई खेतों में फसल बोई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस बात से पता चलता है कि किसान समझदार था। तो इसका ये हो गया, उसने बड़ी बेटी को समझाया कि अगर इस बार वर्षा ना हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। और फिर छोटी बेटी को समझाया कि इस बार वर्षा हुई तो अपनी लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना, ठीक है। ये देखिए इसके ये प्रश्न उत्तर हैं, ऐसे शब्दार्थ हैं।
देखिए शब्दार्थ सब दिया है इसमें, ये देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, ये लिखा बूढ़े आदमी की कितनी बेटियां थी, बूढ़े आदमी कितने अपनों कितने पढ़े थे, कितनी बेटियां थी, ये ऑप्शन में देखिए 1 2 3 कितनी बेटियां थी, दो बेटियां थी ना, ये देखिए दो बेटियां थी, बूढ़ा आदमी पहले कौन सी बेटी के पास गया था, बूढ़ा आदमी पहले अपनी बड़ी बेटी के यहाँ गया था, ये देखिए बड़ी बेटी के यहाँ गया था, कौन सी बेटी खूब वर्षा चाहती थी, कौन सी बेटी खूब वर्षा चाहती थी जिसका पति किसान था, छोटी बेटी का पति किसान था, सही शब्द चुनकर खाली जगहों पर भरो, ये लिखा है बूढ़ा एक बूढ़ा आदमी था, एक बेटी का विवाह एक कुंवार के साथ हुआ था, बेटी ने पिता से आग्रह किया, क्या किया था आग्रह किया था, अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी, पिता बड़ी किसमें पड़ गए थे, उलझन में पड़ गए थे, ये देखिए ठीक है, ये दिया है इसका शब्दों को तीर से मिलाकर जोड़ी बनाइए, जोड़ी बनाना है इसका, देखिए जोड़ी इसमें बनाए हैं ठीक है ना, बूढ़ा में क्या होगा आदमी होगा, बूढ़ा आदमी था ना, और बड़ी बेटी थी, बहुत मेहनत थी, अच्छी फसल थी, अच्छी बरसात थी, आधा हिस्सा था, ठीक है, चलिए थैंक यू।